Hello students, this video is for class 3rd. Your subject name is EVS and your book name is Looking Around. So your 5th chapter is Chotu's House, Chotu ka ghar. तो यहाँ पे आपको कुछ pictures दी गई हैं, इससे आपको इसकी story समझना है. Chotu came to Mumbai for the first time. Chotu पहली बार मुंबई आया. मुंबई महाराष्ट्र की capital है. ठीक है, तो पहली picture में आप देख सकते हो कि ये Chotu है जो पहली बार मुंबई आया है और वो कंफ्यूज है, इधर उधर देख रहा है, गाड़ियों को देख रहा है, लोगों को देख रहा है. और फिर क्या हुआ, वहाँ पे बारिश हो गई तो लोग अपने घर भागने लगे तेज़ी से. उसके पास कोई घर नहीं था तो वो वहीं किनारे में जाके बैठ गया. फिर उसे एक पाइप दिखा, थर्ड पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पाइप के अंदर सोया है वो. उसको एक पाइप दिखाई दिया, उसने उस पाइप को ही अपना घर बनाया और वहाँ पर जाके लेट गया. उसने उसी पाइप में क्या किया, बाहर एक ड्रम रखा पानी पीने के लिए, चूल्हा बनाया खाना बनाने के लिए, और एक तार लगा दिया, रस्सी टांग उसमें जिसमें कपड़े टांगते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखिए. पिक्चर में छोटू की तरह एक लड़का आया जिसका नाम था मोनू. वो भी पहली बार मुंबई आया, वो भी वैसे ही कन्फ्यूज़ था, वो इधर उधर देखने लगा. छोटू ने उसको देखा तो उसको अपने साथ बुला लिया और अपने साथ अपने घर में रखने लगा, क्योंकि छोटू को भी वहाँ अकेला लग रहा था. वो भी अकेला था, उसको भी किसी के साथ की ज़रूरत थी और मोनू के साथ भी कोई नहीं था, तो वो दोनों अब साथ मिलकर रहने लगे. तो बच्चों, हमारे लिए घर बहुत ज़रूरी है, ये हमें धूप से, बरसात से और ठंडी से बचाता है. अब है आपकी इसमें एक पोएम, होम स्वीट होम. यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर. तो ये पोएम है आपकी घर प्यारा घर. आप हमेशा कहती हो मम्मा कि ये घर सिर्फ हमारा है, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर, पर मैं कैसे विश्वास कर लूँ जब मुझे पता है कि यहाँ पे और भी कई हैं. लुक मदर हाउ दीज माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई, एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर. वो कह रहा है, देखो मम्मी कैसे ये चूहे कैच कैच खेल रहे हैं सबके सब साथ में, एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटो फ्लाई, और कैसे ये मच्छर उड़ रहे हैं, एंड हाउ दिस एंड हाउ पीसफुल लाइज द स्पाइडर हैप्पी स्पाइडर, और कैसे ये शांतिपूर्वक मकड़ी खुश है. एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो, एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंट्स ऑल मार्चिंग इन अ रो. वो कह रहा है, देखो मम्मी इस आलसी छिपकली को, ये कैसे क्रॉल करी, कैसे रेंग के जा रही है, एंड देखो ये कैसी काली चींटियां हैं इतनी सारी, ऑल मार्चिंग इन अ रो, ये सारी एक लाइन में जा रही है. एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्ट यार्ड द बर्ड्स ऑल आर पैकिंग अबाउट जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई समटाइम फाइट क्वेरल एंड शाउट. और बाहर देखो बरामदे में कैसे ये चिड़िया चोंच मार रही है, जैसे मैं और मेरी बहन, कभी हम लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी चिल्लाते हैं. अब नीचे देखिए क्या कह रहे हैं, दैट इज़ वाई आई से डियर मम्मी डियर मदर डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली आर्स, इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हियर एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स. इसीलिए मैं कहता हूँ प्यारी मम्मी, ये मत सोचना कि ये घर सिर्फ हमारा है, इट्स डियर टू अस, ये हमारे लिए प्रिय है और जो यहाँ रहते हैं और कई साल से जी रहे हैं या कई साल से रह रहे हैं यहाँ पे. डू यू नो रेड्स हैव पुअर आई साइट बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट. क्या आपको पता है कि चूहों की नज़रें कमज़ोर होती हैं बट उनका सूंघने की क्षमता बहुत होती है, वो बहुत अच्छे से सूंघ सकते हैं, कोई भी चीज़ को टच कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं. सो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.